नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया थिंग्स में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आज से लोकसभा चुनाव का पहला चरण मानो कि शुरू हो गया है। भारत क्या सोच रहा है ये आने वाले 2 महीने में पता चल जाएगा और ये तय हो जाएगा कि भविष्य में भारत खुद को कैसे चलाना चाहता है। आज मैं यहाँ आपको एक कहानी सुनाने आया हूँ, एक विदेशी भूमि की कहानी है लेकिन हमारे अपने सिस्टम से बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है ये कहानी, जिसे अगर आप समझ जाएं तो आपको ये चुनने में मदद मिलेगी कि आपके और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बेहतर होगा। दोस्तों, वेनेजुएला अपने तेल भंडार के कारण एक समय बहुत समृद्ध लैटिन अमेरिका देश था। हर तरफ खुशहाली थी, लोग खुश थे। फिर वामपंथी सरकार आई और आज वेनेजुएला सबसे गरीब देशों में से एक है, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी बदतर। अचानक क्या हुआ? खैर, अचानक नहीं, अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए वामपंथियों द्वारा 14 वर्षों तक प्रयास किए गए। उसके शुरुआत 1999 में हुई जब वामपंथी झुगो राफेल चावेज क्रिया सत्ता में आए और राष्ट्रपति बने। वो राष्ट्रपति कैसे बने? सरल है, क्रिबिज यानी मुफ्त उपहार देकर, जो फ्रीबीज आजकल बन रहा है इंडिया में। केवल एक चीज जिसमें ये वामपंथी अच्छे हैं, फ्रीबीज दो और वोट लो और चाहे देश की हो बंटाधार, ये वामपंथियों की चिंताधारा है। वामपंथी झुगो चावेज ने सचमुच सब कुछ मुक्त दे दिया, मुक्त बिजली, मुक्त पानी, मुक्त चिकित्सा उपचार और मुफ्त स्कूल, दुनिया में सब कुछ मानो कि मुफ्त। वेनेजुएला वामपंथी स्वर्ग बन गया है। देश तेल निर्यात करके भारी पैसा कमा रहा था और इसका उपयोग मुफ्त वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कर रहा था। झुगो चावेज की 2013 में मुफ्तखोरी की विरासत छोड़कर मृत्यु हो गई। फिर 2014 में वेनेजुएला को बड़ा झटका लगा जब तेल कीमत गिर गई, तेल से मुनाफे में भारी गिरावट आई, मुफ्त की वस्तुओं का भुगतान करते करते सरकार दिवालिया हो गई। अब सवाल यह उठा कि मुफ्त चीजों के लिए धन कैसे जुटा जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वामपंथी बिना किसी ज्ञान के विश्व के सबसे महान अर्थशास्त्री होते हैं, आपने देखा है। इतनी महान वामपंथी सरकार ने मुफ्त कार्यक्रम में वित्त पोषण के लिए अधिक मुद्रा छापी। इस बीच वामपंथियों ने देश में हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फंड की कमी के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई, डिमांड वैसे का वैसे ही रहा, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन जो है वो गिर गया है। और इसके अलावा सरकार ने और अधिक मुद्राएं छापी, परिणाम क्या हुई? मुद्रास्फीति आसमान छू गई। मांग जो था उस पर अंकुश लगाने के लिए वामपंथी सरकार ने अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की कटौती करने के बजाय आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी। उसका परिणाम क्या हुई? महंगाई जो है मंगल तक जा पहुंची। आपको बताऊं, वेनेजुएला में मुद्रास्फीति दर 2016 में 274% थी, 2017 में 863% थे, 2018 में 1.30 लाख%, 2019 में 1 करोड%। हाँ जी, ये तथ्य सही है, आपने सही सुना है। वेनेजुएला की मुद्रा का मूल्य इतना बढ़ गया कि लोगों ने असली टॉयलेट पेपर के बजाय टॉयलेट पेपर के रूप में मुद्रा का उपयोग करना शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं क्या हालत है वहां का। आज सरकार धीरे धीरे सब्सिडी वाली योजनाओं को वापस ले रही है और सब्सिडी और मुफ्त सुविधाओं के लिए दशकों से बर्बाद किए गए पैसा के लिए लोगों पर असाधारण बोझ डाल रही है। सरकारी कंपनियां अब घाटा पूरा करने के लिए पेट्रोल डीजल सहित 100 गुना दाम वसूल रही है। मुफ्त का आनंद लेकर आम आदमी परेशान हो गया है।
अब सवाल यह है कि मैं ये कहानी आपसे क्यों साझा कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष भारत को नए वेनेजुएला बनाने की राह पर पूरी तरफ अग्रसर है। इन निकम्मी पार्टियों ने हालत इतनी खराब है कि ये वोट पाने के लिए मतदाताओं को हर तरह की मुफ्त चांद भी अगर चाहिए जनता को मुफ्त की चांद, सूरज, तारे देने का भी वादा कर रहे हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो कांग्रेस ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की एक महिला को 1,00,000 वार्षिक भत्ता, 1,00,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, प्लस कृषि ऋण माफ, छात्र ऋण माफ, MSP की घोषणा की है। क्या कुछ और भी बचा है मुफ्त? आखिर आप सोचिए, इस देश के लिए, इस देश की भाग्य क्या होगा अगर ये सचमुच भी सरकार में आ जाएंगे? इस देश का भाग्य क्या होगा? युवा पीढ़ी का क्या होगा? अब पहला सवाल ये उठता है, इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा? पूछे जाने पर कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के एक प्रमुख सदस्य प्रवीण चक्रवर्ती पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। उनके अनुसार BPL और बेरोजगार युवाओं को प्रति परिवार की एक महिला को 1,00,000 का भुगतान करने के वादे के अनुसार कांग्रेस को 5 वर्षों में 5-6 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी, यानी हर साल करीब 1,00,000 करोड़ रुपया चाहिए। पैसा कहां से आएगा जब भारत का वार्षिक बजट ही 44.90 लाख करोड़ है? इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन रघुराव राजन ने जैसे प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री कांग्रेस की मदद के लिए आएंगे और अधिक मुद्रा छापने की सलाह देंगे, जैसे कि उन्होंने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सुझाव दिया था, बिल्कुल वही जो वेनेजुएला ने किया, श्रीलंका ने किया, जिम्बाब्वे ने किया, और वो सारे देश बर्बाद हो गए। अब समझ आ रहा है कि मैंने वेनेजुएला पर इतना विस्तार से क्यों बोला है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो हमारे देश में? इसके अलावा कांग्रेस ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार MSP का वादा किया है, जिसे लागू करने से उनमें से स्वयं यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि इसमें कृषि उपज की कीमतें आसमान छू जाएगी। तो अब अचानक क्या बदल गया कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में भी यही वादा कर रही है? वेनेजुएला भाग्यशाली था कि मुद्रास्फीति केवल 1 करोड़ प्रतिशत थी। स्वामीनाथन समिति का जो समिति था उसके अनुसार अधिक अनावश्यक मुद्रा और MSP छापकर कांग्रेस निश्चित रूप से भारत को वेनेजुएला की ओर मुद्रास्फीति से आगे ले जाएगी। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो भारत के साथ? अब कांग्रेस की जो पंडित लोग हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको देखिए, खुद कह रहे हैं कि 1,00,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से 1,00,000 करोड़ रुपए की मुफ्त सुविधाएं, मतलब 1 करोड़ लाभार्थियों का मतलब है कि 140 करोड़ की आबादी में केवल 1 करोड़ गरीब परिवार या 1 करोड़ बेरोजगार है, या दोनों 50-50 लाख है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि मोदी सरकार ने लोगों को गरीब रगा से ऊपर उठने का सबसे उत्कृष्ट काम किया है और बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। तो फिर कांग्रेस मौजूदा सरकार पर गरीबी और बेरोजगारी का झूठा आरोप लगा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी को मछली नहीं परोसते, इसके बजाय वो लोगों को मछली पकड़ना सिखाते हैं, ताकि हम किसी पर निर्भरता के बिना जीवन भर आजीविका कमा सकें। और एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं, ये जो सोलर रूफटॉप योजना ने प्रधानमंत्री लाया है, सोलर पैनल लगाने पर सरकार देगी सब्सिडी और ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, अपने लिए निशुल्क जनता उस ऊर्जा को उपयोग करेगा, सरकार को अतिरिक्त जो बचेगा बिजली उसको सरकार को बेचेगा, इसके लिए भुगतान उनको प्राप्त करेंगे। इससे अपनी EMI का जो भुगतान करेंगे, किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का यही एकमात्र तरीका है। मुक्त खोरी से अगर आप लोगों को आदत डाल देंगे तो देश बर्बाद के रास्ते पर चला जाएगा। और मित्रों, आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता है,
और यदि मुफ्त है तो ये एक जाल है, ये कंस्पिरेसी है जिसमें इस देश की कुछ पार्टी के लोग आपको फंसा रहे हैं। ये माया जाल है, इस माया जाल में जनता फंसेगा तो आने वाला पीढ़ियों को बहुत बुरी तरह से असर मिलेगी। तो इलेक्शन का पहला चरण हो गया, हो रहा है, आगे आने वाला भी अलग अलग चरण में है, 26 को भी है। तो वोट करने से पहले मैं तो उदय इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जरूर जाके वोट डालें। जो नया वोटर्स है वो जरूर जाके वोट डालें, जो महिला वोटर्स है वो भी जरूर जाके वोट डालें। और वोट अपना मूल्यवान है, उसको डालने से पहले ये जो पार्टियों की नीति है देश के प्रति उसको समझ के वोट डालिएगा, किसी की माया जाल में मत फंसिएगा, क्योंकि हर पार्टी की एक अपना माया जाल है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।